हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉलेजेस के मतलब सीज़न स्टार्ट होने को लेकर। 20 फरवरी से जो है हमारा सीज़न स्टार्ट हो रहा है, और मतलब बहुत सारी कॉलेजेस का हो रहा है, कुछ का नहीं भी हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि कॉलेज का जो मैनेजमेंट है वो सोच रहा है कि उनकी पूरी सीटें फुल हो जाए, उसके बाद वो स्टार्ट करें। बट अधिकतर कॉलेजों में सीट जो फुल हो गई है, मतलब अधिकतर में नहीं, जिन कॉलेजेस में फुल हो गई वो अधिकतर कॉलेज जो है वो 20 से कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं बताऊँ कौन कौन से कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो MP के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है, जैसे जबलपुर हुआ वो भी स्टार्ट हो रहा है, वहाँ के बच्चों से मेरी बात हुई। फिर बुरहानपुर हो रहा है स्टार्ट, होम्योपैथ का भोपाल का हो रहा है स्टार्ट, है ना, और शायद रीवा का भी हो रहा है, ठीक है। तो इतने कॉलेजेस गवर्नमेंट में जो है मतलब मेरे कॉन्टेक्ट में आए हैं स्टूडेंट वहाँ के, कि वो 20 से ही हो रहे हैं। और प्राइवेट में जैसे कि कॉरपोरेट हो रहा है, प्राइवेट में तो कॉरपोरेट का सुना है मैंने। और प्राइवेट में मतलब हमारा SKRP गुजराती होम्योपैथ कॉलेज भी हो रहा है 20 से स्टार्ट। और इसके अलावा प्राइवेट में यार कोई से एक और कॉलेज वाले कोई बोल रहे थे कि हमारा भी 20 से हो रहा है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी। पर अधिकतर कॉलेजेस जो है 20 से ही स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। और उसमें जो है इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह भी कुछ है स्टार्ट में, जैसे कि मैंने उसका शेड्यूल भी बताया था कि क्या है इंडक्शन प्रोग्राम में, तो वो भी फॉलो हो रहा है। जो इंडक्शन प्रोग्राम जो एकेडमिक कैलेंडर आया था, तो 15 दिन का जो है इंडक्शन प्रोग्राम होना था, तो वो भी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आपका कौन सा कॉलेज और आपके कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन आई है या नहीं आई, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन का कॉलेज से कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई, तो टेंशन ना लो, है ना, क्योंकि यार वो कॉलेज के मैनेजमेंट पर भी थोड़ा डिपेंड करता है कि वो कब से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखो, अगर थोड़ा लेट भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम यार MP MSU जबलपुर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है ना MP की, अधिकतर कॉलेज उसी से एफिलिएटेड है, ठीक है। तो सबकी एग्ज़ाम तो एक साथ ही होना है ना, अच्छा अच्छी बात है कि यार तुमको टाइम थोड़ा बहुत घर पे मिल रहा है रहने के लिए, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब, ठीक है। जल्द से जल्द आपका कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है वो कब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम तो खूब मतलब बहुत खूब क्या मैं मेरे यहाँ की नेमाड़ी लैंग्वेज थोड़ी यूज़ करने लग गया था, इसलिए थोड़ा ऐसा। तो दोस्तों, हम बहुत एक्साइटेड है, हमारा मतलब फर्स्ट डे कॉलेज में कैसा जाएगा, क्या रहेगा, सबकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है फर्स्ट डे कॉलेज में क्या मतलब किस तरीके से रहेगा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट डे क्या होता है, कैसा होता है, मतलब है ना, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, देखते हैं। मतलब कल हम चले जाएंगे इंदौर है मेरा कॉलेज, तो परसों से कॉलेज मंडे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कॉलेज के सारे अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा, फर्स्ट डे का पूरा ब्लॉग वगैरह बना के बढ़िया, है ना, क्या क्या हुआ कॉलेज में सब कुछ अपडेट दूंगा दोस्तों आप लोगों को। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।